बाजार निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू है? सर निफ्टी की बात करूं तो मॉर्निंग से थोड़ा सा अभी देखते हैं दोपहर में, यहाँ पे मतलब सुबह मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन 10 बजे के बाद 17,500 का एक थोड़ा सा सपोर्ट बना के मार्केट यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल में 17,590 के करीब मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 17,600 का रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि मार्केट अगर आज के दिन 17,600 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो वहां से फिर से 17,650 17,700 तक जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल में निफ्टी पे एक बाय कॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रेंज है वो रहेगा 17,600 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद। मतलब जैसे ही निफ्टी 17,600 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तुरंत निफ्टी को बाय करना है, नीचे में 17,570 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में पहला टारगेट रखना है 17,650 का और दूसरा टारगेट रखना है 17,670 का। मतलब 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पे एक छोटा सा रैली हमें निफ्टी में देखने मिल सकता है और नीचे में हम एक 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा सेफर जाना है तो मैं बोलूंगा कि 17,600 की जगह एक मतलब वो एक स्ट्राइक प्राइस होता है तो शायद से थोड़ा बहुत वहां से सेलिंग प्रेशर फिर से दिखा दे सकता है। तो उससे बेटर थोड़ा सेफर जाना है तो 17,615 ब्रेक करने के बाद बाय करो, तो फिर वहां से थोड़ा सा कंफर्मेशन अप ट्रेंड का हमें कंटिन्यूअसली मिल सकता है। ठीक है, तो बाइंग की सलाह दे रहे हैं लेकिन निफ्टी में दे रहे हैं। सर अगर मैं ये कहूं कि बैंक निफ्टी ने ज्यादा तेजी दिखाई थी और अगर हमें बाइंग ही करना हो तो क्या निफ्टी से बेटर बैंक निफ्टी नहीं होगा? सर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी भी आपने कहा वैसे तेजी और सेम, मतलब दोनों में सेम पैटर्न है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी दोनों में सेम पैटर्न है। एक पैटर्न थोड़ा सा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी हम बाइंग देख सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस है ऊपर में 39,500 का, तो मतलब 50 से 60 पॉइंट ही आते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी बाय किया जा सकता है, अगर 39,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो नीचे में 39,430 का मतलब एक 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी को बाय करे, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 39,600 का और दूसरा टारगेट रहेगा 39,650 का। ठीक है, नहीं अब इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन पूछूं तो आप अभी भी निफ्टी में स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर कहेंगे या बैंक निफ्टी में? सर थोड़ा सा कंपेरेटिवली निफ्टी में मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं निफ्टी के साथ जाना पसंद करूंगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेम पैटर्न है, दोनों में ही असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एक 50 से 100 पॉइंट आराम से निफ्टी में तो मिल सकते हैं और बैंक निफ्टी में भी 100 से 150 पॉइंट आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं जो समझ पा रहा हूँ कि शायद चैलेंज ये है कि बैंक निफ्टी में एक तो रेजिस्टेंस ऊपर है दिख रहा है और दूसरी चीज ये है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर है, मतलब एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो जितना जो कमजोरी आई थी वो ज्यादा आई थी निफ्टी में, तो इसीलिए अगर वापस ऊपर की तरफ देखते हैं तो शायद ज्यादा ऊपर की तरफ तेजी निफ्टी में ज्यादा जल्दी दिख सकता है। अगर हम अभी भी कंपेयर करें तो 0.25% प्लस है निफ्टी और जबकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 0.35 या उससे ऊपर, उससे ज्यादा प्लस साइड में है, वो परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो वो वाली चीजें हैं। ठीक है सर।